नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और आज बीजेपी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा क्यों सुर्खियों में है, ये मैं आपको बताना चाहती हूं। असल में पंजाब पुलिस की एक टीम आज सुबह यानी कि आज शुक्रवार सुबह तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब ले जा रही थी। और जैसे ही यह खबर पुलिस की हद से बाहर निकली, ये खबर पूरे एनसीआर में फैल गई और एनसीआर के बाद पूरे देश में फैल गई। और उसके बाद ये खबर टीवी चैनल्स पे चलने लगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये तेजेंद्र बग्गा है कौन, और देखते ही देखते कैसे उसकी गिरफ्तारी देश की राजधानी में इतना बड़ा मुद्दा बन गया। तो तेजेंद्र पाल बग्गा को जानने से पहले पंजाब पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप काफी हद तक तेजेंद्र बग्गा को भी जान जाएंगे। पंजाब पुलिस की FIR के मुताबिक तेजेंद्र सिंह बग्गा के खिलाफ लोगों को भड़काने, नफरत फैलाने, सोशल मीडिया पे झूठे और सांप्रदायिक बयान देने के आरोप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजेंद्र पाल बग्गा पर ताजा मामला क्या है और पंजाब पुलिस इतनी तेजी से, इतनी जल्दबाजी में राजधानी से बीजेपी के नेता को उठाने क्यों भागी चली आई। असल में सबसे ताजा मामला ये है कि तेजेंद्र पाल बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक ट्वीट किया था। और भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा बन चुके राष्ट्रीय महासचिव तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब के पटियाला शहर में एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनाप शनाप बोलने को लेकर के एक शिकायत थी। और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के एक टिप्पणी की थी, उसी को लेकर के तेजेंद्र ने भी अपना एक रिएक्शन दिया था और एक ट्वीट किया था उन्होंने। मैं आपको जो उन्होंने ट्वीट किया था एग्जैक्टली आपको बताती हूँ कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा था। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि एक नहीं 100 FIR करिए, लेकिन अगर केजरीवाल हिंदुओं के नरसंहार को लेकर के झूठ बोलेगा तो मैं बोलूंगा, अगर केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे ठहाके लगाएगा तो मैं बोलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अंजाम जो भी भुगतना पड़े मैं तैयार हूँ। मैं केजरीवाल को छोड़ने वाला नहीं हूँ, नाक में नकेल डाल के रहूंगा उसके। ये उनका ट्वीट था। और उसके साथ ही एक चीज और भी है, तेजेंद्र बग्गा इस पक्ष, इन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बहुत अच्छा सा मिला था। यहाँ से बात शुरू होती है कि आखिर ये तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा कौन है और उसके इतने तेवर क्यों चढ़े हुए हैं। असल में सियासत में चमकने के लिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा कई बार अपनी हरकतों और कारनामों की वजह से सुर्खियां बटोर चुके हैं। फिर चाहे वो 2011 में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण को थप्पड़ मारने का मामला हो, या फिर मशहूर समाजसेवी और लेखिका अरुंधति राय की किताब के विमोचन के मौके पर हंगामा करने का मामला, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की एक टिप्पणी का विरोध करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर चाय बेचने का प्रकरण भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली की सड़कों पे पोस्टरबाजी करना, इन सभी कारनामों से तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को सुर्खियों में जगह मिली है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग मुद्दों को लेकर के तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कई RTI भी डाली है, जिसको लेकर के बग्गा ने राजधानी में दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अच्छा खासा मोर्चा खोल दिया था। ये तो रही बात उनकी हरकतों की, लेकिन तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा सोशल मीडिया पर भी अपने अपडेट्स की वजह से, अपने क्रियाकलापों की वजह से काफ़ी विवादित हो चुके हैं। ट्विटर पे तो उनके जो पोस्ट होते हैं काफ़ी आक्रामक होते हैं। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने हरिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। उसी चुनाव में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की तरफ से दाखिल किए गए एक हल्फनामे के मुताबिक
वो स्कूल से ड्रॉप आउट है, यानी वो अपने उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। हालांकि उसी हल्फनामे में उन्होंने चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी नेशनल डेवलपमेंट कोर्स से डिप्लोमा करने के बारे में उस फॉर्म में इत्तला दी थी। लेकिन हाल ही में मार्च के आखिरी हफ्ते में द कश्मीर फाइल्स पे जो केजरीवाल की टिप्पणी थी उसको लेकर के तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर तोड़फोड़ की थी। सभी को पता है केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को काफ़ी उन्होंने नुकसान पहुंचाया और बूम बैरियर तक तोड़ दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास के मेन गेट और दीवारों पर भगवा रंग तक पोत दिया था। अब केजरीवाल को गुस्सा तो आना ही था। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के विरोध में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा और बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की थी। यानी कि इसका लिंक उस प्रदर्शन से भी जुड़ा हुआ है। और केजरीवाल की नज़र में वो क्यों चुभ रहे थे ये भी बात अब साफ हो रही है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का सियासी सफर भगत सिंह क्रांति सेना नाम के एक संगठन से शुरू होता है, लेकिन सबसे पहले बड़ी सुर्खी उस वक्त बग्गा को मिली जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण थप्पड़ भूषण को उन्होंने थप्पड़ मारा था। लेकिन तेजेंद्र बग्गा को सबसे पहले बड़ी सियासी पहचान तब मिली जब वो 23 साल के थे और उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया था। 2017 में तेजेंद्र बग्गा की एक्टिवनेस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी और प्रमोशन कर दी, उन्हें प्रवक्ता बना दिया। 31 साल की उम्र तक पहुँचते वो प्रवक्ता बनने पर तेजेंद्र सबसे कम उम्र के प्रवक्ता बने और ये खिताब उन्हें हासिल होता है। तो ये थी उनका एक सफ़र, उनके विवादों भरा सफ़र, या कहिए कि उनकी केजरीवाल से जो आपस में टशन होती है उसका सफ़र। इसलिए आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ये वजह भी एक हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये कंटेंट, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मेरे साथ कमेंट के ज़रिए जुड़े रहेंगे तो मुझे भी मेरी कमियों को जानने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बुरा लगे, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।